झारखंड के सीएम को कौन ले गया, कहां लापता हो गए हेमंत सोरेन, गुमशुदगी की स्ट्रेटजी या सीएम की मिस्ट्री। रंग सांवला, कद 5'2", सफेद शर्ट, काला पैंट और पैर में चप्पल, परसों रात 2 बजे से लापता हैं। जानकारी देने वालों को इनाम में 11,000 रुपए नकद मिलेंगे। इस पोस्टर में जिस गुमशुदा के बारे में इतनी जानकारी दी गई है वो कोई और नहीं बल्कि हेमंत सोरेन हैं। जी हां, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जिनको लेकर ये खबरें उड़ रही हैं कि वो पिछले 40 घंटे से लापता हैं। मुख्यमंत्री की गुमशुदगी का पोस्टर खुद राज्य के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने जो लिखा है वो बाद में बताएंगे, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि अचानक कोई मुख्यमंत्री कैसे गायब हो सकता है। आखिर क्या वजह है उनके लापता होने के पीछे, ये अनहोनी है या सोची समझी साजिश, कहीं ये गुमशुदगी की स्ट्रेटजी या सीएम के मिस्ट्री तो नहीं। दरअसल जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत सोरेन से ईडी को सोमवार को पूछताछ करनी थी। सोरेन रविवार रात तक दिल्ली में ही थे, लेकिन सोमवार सुबह अचानक गायब हो गए। तलाश में ईडी की टीम ने दिल्ली में उनके घर से लेकर कई ठिकानों की खाक छानी, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। ईडी की टीम हेमंत सोरेन के घर पर देर रात तक मौजूद रही, सोरेन का इंतजार करने के साथ साथ जांच भी करती रही, सोरेन के ड्राइवर से पूछताछ की और उसके बाद सोरेन की पर्सनल गाड़ी की तलाशी ली, लेकिन फिर भी सीएम का कहीं पता नहीं चला। बीजेपी दावा कर रही है कि ईडी की गिरफ्तारी से बचने के लिए हेमंत सोरेन ने ये साजिश खुद रची है। इसी को लेकर राज्य के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने बाकायदा गुमशुदा का पोस्टर भी एक्स पर पोस्ट कर दिया, जिसमें उन्होंने सोरेन पर तंज कसते हुए लिखा, झारखंड के लोगों से मार्मिक अपील है, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री केंद्रीय एजेंसियों के डर के मारे पिछले करीब 40 घंटे से लोकलाज त्याग कर लापता हैं और चेहरा छिपाकर भागे भागे फिर रहे हैं। ये न सिर्फ मुख्यमंत्री की निजी सुरक्षा के लिए खतरा है बल्कि झारखंड की 3.5 करोड़ जनता की सुरक्षा, इज्जत, मान सम्मान भी खतरे में है। फिलहाल हेमंत सोरेन के लापता होने की खबर सोशल मीडिया में छाई हुई है। इसी के साथ सियासी गलियारों में सरगर्मी बढ़ गई है। वहीं लापता होने की खबरों के बीच सोरेन से जुड़ी बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आई है। वो ये कि सीएम रांची पहुंच गए हैं, साथ ही ईडी ने उनके दिल्ली आवास से 36 लाख रुपए कैश और BMW कार बरामद की है। ऐसे में सवाल ये है कि जब ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए पहले से ही समन जारी किया था तो वो क्यों ईडी का सामना करने से बच रहे हैं।